नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। एसईई के नतीजा साउन के दोसर का हफ्ता आई। असार 20 गति भित्रे आंतरिक मूल्यांकन पेठा मिला राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के निर्देशन। काठमांडू महानगर पालिका द्वारा स्थगित खोप अभियान आज से फिर शुरू। तय कल गेल स्थान में सहभागी होखेला महानगर के आगरा। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव द्वारा आपन दल से सरकार में सहभागी मंत्री सब संगे स्पष्टीकरण मांग। पार्टी के नीति विपरीत सहभागी भल जिकिर। इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के 12 बरस के शासन काल के अंत। नाफ्ताली बेनेट बनलन नया प्रधानमंत्री। और यूरो कप फुटबॉल अंतर्गत आज 3 गो खेल हो रहा। पहलका खेल में स्कॉटलैंड आज चेक रिपब्लिक के बीच भिड़ंत होगी। आप पूरा समाचार। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई में सहभागी होखेला आवेदन देवे वाला विद्यार्थी के आषाढ़ 20 गति भीतर आंतरिक मूल्यांकन के पूरा करेला जनावल गेल बा। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा सभी विद्यालय के विद्यार्थी के आंतरिक मूल्यांकन करके आषाढ़ 20 गति तक जिला समन्वय इकाई कार्यालय में पेठावेला निर्देशन देहल गेल बा। विद्यालय से पेठावल आंतरिक मूल्यांकन आज जिला के सभी विद्यार्थी के अभिलेख रुजू करके असार अंतिम भीतरे समन्वय समिति द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में पेठावे के पड़ी। असार अंतिम तक सभी जिला से अभिलेख अला पर ओकर 15 दिन भीतर एसईई के अंतिम नतीजा प्रकाशन करे के आ प्रमाण पत्र जारी लगात के काम बोर्ड से कैल जाए। कोनो अवरोध ना भेला पर बोर्ड द्वारा एसईई के नतीजा आबे वाला साउन 15 गते भीतर पूरा सार्वजनिक कर सके के आ भादो से कक्षा 11 के पढ़ाई शुरू कर सके के बोर्ड से नतीजा प्रकाशन के तैयारी कैल जनावल गेल बा। खोप अभाव में काठमांडू महानगर पालिका द्वारा स्थगित कैल गेल कोविड-19 विरुद्ध के खोप कार्यक्रम फेरू संचालन होखे वाला बा। जिला स्वास्थ्य कार्यालय काठमांडू द्वारा भेरुसेल खोप के पहिलका मात्रा लगावे छूटल 60 से 61 बरस उमेर समूह के ज्येष्ठ नागरिक सबके खोप कार्यक्रम संचालन खातिर परिपत्र भइल बमोजिम खोप कार्यक्रम संचालन करे लागल काठमांडू महानगर पालिका द्वारा विज्ञप्ति में जनावल गेल बा। काठमांडू स्थित वीर अस्पताल, सेक्शन अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल आ निजामती कर्मचारी अस्पताल में जेठ 31 आ असार 1 गते खोप लगावे के कार्यक्रम रहल महानगर जनौले बा। जेठ 25 गते से काठमांडू उपत्यका से देशभर भेरुसेल खोप के पहिलका मात्रा लगावे के अभियान शुरू भइल रहे, लेकिन खोप अभाव में काठमांडू महानगर पालिका द्वारा 2 दिन पहले ही खोप कार्यक्रम स्थगित कैल गेल रहे। महानगर इतवार के जारी कैल सूचना मुताबिक पहिलका डोज लगावे के छूटल 60-61 बरस उम्र समूह के ज्येष्ठ नागरिक, इससे पहले भेरुसेल खोप के पहिलका मात्रा लगावल व्यक्ति, स्वास्थ्यकर्मी, कोविड-19 बीमार के प्रत्यक्ष जांच, इलाज आ देखभाल में संलग्न चिकित्सक, नर्सिंग आ पैरामेडिक्स विद्यार्थी स्वास्थ्यकर्मी के खोप लगावेला अनुरोध कल गेल बा। खोप कार्यक्रम सवेरे 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक संचालन होगी। इस साल के मानसून देश भर ही फैलल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। इतवार के संझिया से देश भर ही मानसून फैलल महाशाखा जनौले बा। इस सप्ताह मानसून सक्रिय होके देश के ज्यादातर जगह में हल्का से मध्यम बरखा, कुछ जगह में भारी बरखा आ कुछ जगह में बहुते भारी बरखा के संभावना रहल मौसम बीत सब जनौले बानी। बाढ़ आ भूस्खलन आ सके के संभावना भइला से जरूरी सतर्कता अपनावे खातिर मौसमविद सब अनुरोध कैले बा। आज देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रहत। बागमती, गंडकी, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के कुछ आ बाकी प्रदेश के 1-2 जगह में बरखा के संभावना रहल आ ज्यादातर जगह में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का से मध्यम बरखा के संभावना रहल मौसमविद बतौले बानी। प्रदेश नंबर 1, प्रदेश नंबर 2, गंडकी प्रदेश आ लुम्बिनी प्रदेश के 1-2 जगह में भारी बरखा के भी संभावना बाटे। वही लिखा जो रात भी देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रही। देश के ज्यादातर जगह में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का से मध्यम बरखा के संभावना बाटे। प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश आ लुम्बिनी प्रदेश के 1-2 जगह में भारी बरखा के भी संभावना रहल मौसमविद सब बतौले बानी।
पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल अस्पताल भर्ना भइल बानी। स्वास्थ्य में समस्या दिखाई पड़ला बाद खनाल आज सवेरे अस्पताल भर्ना भइनी ह। वहां के थापाथली स्थित नर्विक अस्पताल में भर्ना कल गेल बा। उनकर स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहल आ आराम के खातिर थप कुछ दिन अस्पताल रहे पड़े के बतावल गेल बा। खनाल कुछ समय पहले ही कोरोना वायरस संक्रमण मुक्त भइल रहनी, घर लौटल कुछ दिन के बाद फिर समस्या दिखाई पड़ल हा। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार में मंत्री बनल पार्टी के नेता सबके स्पष्टीकरण मंगले बानी। पार्टी के नीति के विपरीत ओली सरकार में सहभागी भइल कहत यादव ओली नेतृत्व के मंत्रिमंडल में सहभागी भइल सबके सात दिन हा स्पष्टीकरण पूछले बानी। सरकार में सहभागी राजकिशोर यादव, अनिल कुमार झा, शरद सिंह भंडारी, चंदा चौधरी, उमाशंकर अरगरिया, इकबाल मिया, विमल श्रीवास्तव आ राज्य मंत्री बनल चंद्रकांत चौधरी आ रेणुका गुरुंग के यादव स्पष्टीकरण मंगले बानी हा। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान द्वारा असार 31 से ओपीडी आ आईसीयू सेवा सुचारू करे के जनावल गेल बा। कोविड 19 के महामारी आ तीव्र संक्रमण के चलते प्रतिष्ठान द्वारा बीतल बैशाख 19 गति से ओपीडी आ शल्य क्रिया जैसन सेवा सब बंद कर गेल रहे। पिछला समय कोरोना संक्रमण के दर घटते गेल आ सर्वसाधारण बीमार के सेवा के ध्यान राखत ओ सेवा सब शुरू करे लागल प्रतिष्ठान प्रशासन जानकारी दिले बा। लेकिन प्रतिष्ठान प्रशासन द्वारा साधारण बीमार अस्पताल अइला पर अकेले आवेला आ अशक्त ज्येष्ठ नागरिक तथा लैका लैकी के हक में एक जने ही सहयोगी आवेला आग्रह कल गेल बा। समय में ही नीलाम बिक्री ना भइला बाद कपिलवस्तु के सरकारी कार्यालय में रहल लाखों दाम के चोरी तस्करी के गाड़ी सब कबाड़ होते जा रहल बा। लाखों दाम के चोरी के गाड़ी सब बरसों बितला पर भी नीलाम बिक्री होके नहीं खे सक रहल। कईन सरकारी आ प्रहरी कार्यालय में रहल महंग गाड़ी के पार्ट पुर्जा भी भुला गेल बा, जैसे चालू अवस्था में रहल कईन गाड़ी लावारिस बन गल बा। भारतीय खुला सीमा के चलते कपिल वस्तु में ज्यादातर मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जीप, कार के चोरी तस्करी होतियाल प्रहरी जनौले बा। कोरोना महामारी के बीच चोरी तस्करी के गाड़ी भंसार कार्यालय से नीलाम करे पड़े वाला भैला पर भी ढिला सुस्ती भइल बाटे। बागलुंग में पांचवा बार निषेधाज्ञा जारी कल गेल बा। जिला में असार 7 गति तक ले निषेधाज्ञा जारी कल गेल हा। कोरोना संक्रमण के दर ना घटला बाद कोरोना संकट व्यवस्थापन डीसीसीएमसी के बैठक थप एक सप्ताह निषेधाज्ञा जारी करे के निर्णय कैले बा। निषेधाज्ञा में बैंक तथा वित्तीय संस्था हफ्ता में चार दिन इतवार के, मंगर के, बुध के आ शुक्र के सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक खुले के प्रमुख जिला अधिकारी शिव कुमार कार्की जानकारी देने। निषेधाज्ञा में अत्यंत आवश्यक सेवा खाद्यान्न, तरकारी, दूध, दवाई, दाना ढुवानी आ एम्बुलेंस सेवा, कृषि तथा पशु उत्पादन, मल, बिया बीजन बाहिक की सेवा सब बंद कल गेल बाटे। कोरोना के संक्रमण तीव्र रूप में बढ़ला बाद बीतल बैशाख 21 गति से निषेधाज्ञा जारी कल गेल रहे। संक्रमण दर में कमी न अला बाद डीसीसीएमसी द्वारा जेठ 1 गति से 15 गति, ओकरा बाद जेठ 22 गति तक, ओकरा बाद फिर जेठ अंतिम तक निषेधाज्ञा थपल गेल रहे। उही लेखा भारत संगे सीमा जुड़ल बैतड़ी जिला में चौथा बार निषेधाज्ञा थपे के निर्णय कल गेल बा। आज तक जारी निषेधाज्ञा कुछ सहज बनावत असार 15 गते तक थपे के निर्णय कल गेल हा। जिला प्रशासन कार्यालय में बैठल जिला कोविड संकट व्यवस्थापन समिति के बैठक आज रात के 12 बजे से लागू होके किसिम से असार 15 गते तक निषेधाज्ञा थपे के निर्णय कैले बा। कोविड 19 के संक्रमण घटला पर भी अभी भी नियंत्रण ना भइला से जारी निषेधाज्ञा कुछ सहज करके थपे के निर्णय कल गेल प्रमुख जिला अधिकारी राजेंद्र देव पांडे बतौले बानी। थपल निषेधाज्ञा के अवधि में फल फूल तथा खाद्य सामग्री के दुकान, किराना, कपड़ा, निर्माण सामग्री के दुकान में काम करे वाला व्यक्ति के अनिवार्य एंटीजेन परीक्षण करके सवेरे 7 बजे से 12 बजे तक खोले के मिली। साथ ही दुकान खुल्ला भइल बिरिया अनिवार्य स्वास्थ्य मापदंड के पालना करे पड़े के भी जनावल गेल बा। एंटीजेन परीक्षण निःशुल्क करे वाला व्यवस्था मिलावे के निर्णय भी भइल बाटे।
ओने दैलेख जिला में असार 10 गते तक ले निषेधाज्ञा के बढ़ावल गेल बा। प्रमुख जिला अधिकारी हरि प्याकुरेल के अध्यक्षता में बैठल कोविड 19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र के बैठक असार 10 गते तक खातिर निषेधाज्ञा के निरंतरता देवे के निर्णय कैले बा। आज रात के 12 बजे से असार 10 गते रात के 12 बजे तक खातिर निषेधाज्ञा थपल गेल। प्रमुख जिला अधिकारी प्याकुरेल बताओले बानी यह जेठ 21 गते से जारी निषेधाज्ञा फिर थपल गेल हा। रोजाना संक्रमित के संख्या बढ़ती गईला से संक्रमण रोकथाम खातिर फिर निषेधाज्ञा थपल गईल उहां के बतौले बानी। अभी के निषेधाज्ञा में पहले से कुछ सहज बनावल गईल बा। दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल करेला सवेरे 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकान सब खुला रहे, वही लेखा बैंक भी खुला रहे। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव प्रति तोला 700 रुपया से घटल बा। आज छापा वाला सोना के भाव प्रति तोला 93,200 रुपया रहल, नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बाटे। जबकि इतवार के छापा वाला सोना के भाव प्रति तोला 93,900 रुपया रहे, उही लेखा तेजाबी सोना के भाव प्रति तोला 92,700 रहे, उही लेखा चांदी के भाव प्रति तोला 1,365 रुपया बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू के 12 बरस के शासनकाल के अंत भइल बा। विपक्षी गठबंधन से संसद में नया सरकार बनावे के पक्ष में मत मिलला बाद पिछला 12 बरस से प्रधानमंत्री रहते आयल नेतन्याहू सत्ता से बाहर भइल बाड़न। दक्षिण पंथी राष्ट्रवादी नेता नाफ्ताली बेनेट इजरायल के नया प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेले बानी। उनकर गठबंधन से संसद में बहुमत प्राप्त कर गेल रहे। बेनेट सन 2023 के सितंबर तक प्रधानमंत्री रही हैं। वहां के न्यू राइट पार्टी के नेता हवन प्रधानमंत्री ना रहला पर भी नेतन्याहू राइट विंग पार्टी लिक्विड के नेता रही हैं। वहां के संसद में प्रमुख विपक्षी दल के नेता के रूप में रही हैं। इसराइल में सबसे लंबा समय शासन करे वाला नेता नेतन्याहू बहुते बरस वहां के राजनीतिक परिदृश्य के अपन अधीन में राखे में सफल भइल रहने। वहां के नए सरकार के धोखेबाज आ आत्मसमर्पणवादी के संज्ञा दिले बानी है। आप खेलकूद समाचार। यूरोकप फुटबॉल अंतर्गत सोमवार के 3 गो खेल हो रहा बा। यूरोकप में आज समूह डी के 1 खेल आ समूह ई के 2 गो खेल होखी। सोमवार के होखे वाला पहिलका खेल में स्कॉटलैंड आ चेक रिपब्लिक के बीच भिड़ंत होखी। समूह डी के स्कॉटलैंड आ चेक रिपब्लिक बीच के खेल संजिया 6:45 से शुरू होखी। घरेलू मैदान में स्कॉटलैंड जीत निकालत सुखद शुरुआत करे के चाहेला, लेकिन मजबूत टीम चेक रिपब्लिक के विरुद्ध जीत निकालेला स्कॉटलैंड के सहज ना होखी। चेक रिपब्लिक भी जीत निकाले के योजना में बाटे। आज हुए होखे वाला दूसर का खेल में पोलैंड आ स्लोवाकिया भिड़े वाला बा। समूह ई में रहल पोलैंड आ स्लोवाकिया बीच के खेल रात के 9:45 से शुरू होखी। आज दोनों टीम जीत निकालत सुखद शुरुआत करे के योजना में बाटे। आज होखे वाला तीसर का खेल में स्पेन आ स्वीडन के बीच भिड़ंत होखी। यूरोपियन फुटबॉल में 2 गो पावर हाउस टोली बीच के खेल रात के 12:45 में शुरू होखी। समूह ई में रहल स्पेन आ पोलैंड बीच के खेल सीविया में होखी। घरेलू मैदान में स्पेन जीत निकालत सुखद शुरुआत करे के चाहेला, पोलैंड भी पहिलका खेल में घरेलू टोली के स्तब्ध बनावे के चाहेला। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। एसईई के नतीजा साउंड के दोसर का हफ्ता आई। असार 20 कते भीतरे आंतरिक मूल्यांकन पेठाविला राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के निर्देशन। काठमांडू महानगर पालिका द्वारा स्थगित खोप अभियान आज से फिर शुरू। तय गलगिल स्थान में सहभागी होखेला महानगर के आगरा। जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव द्वारा आपन दल से सरकार में सहभागी मंत्री संग स्पष्टीकरण मांग। पार्टी के नीति विपरीत सहभागी भइल जिकिर। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के 12 बरस के शासनकाल के अंत।
नाफ्ताली बेनेट बन्न नयाँ प्रधानमन्त्री। और युरोकप फुटबल अन्तर्गत आज तीनको खेल हो रहल पहिलका खेलमे स्कटल्यान्ड आ चेक रिपब्लिक बीच भिडान्त खेल। एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक का हमने के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।